नमस्कार दोस्तों, मैं रेडियो मधुबनी से आसिफ इकबाल। मैं अभी आपको अशोक कुमार जी से बात कराएंगे, जो कलवाही के हैं। वो मछली पालन में एक्सपर्ट हैं। मैं सर से जानूंगा कि मछली कैसे कैसे पालते हैं, कितने उनके पास तालाब हैं और क्या क्या वो मछली पालते हैं, और बेनिफिट्स के बारे में भी मैं उनसे जानकारी लूँगा कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं उनका। मैं अशोक कुमार सिंह, ग्राम कपड़िया, प्रखंड कलवाही के रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी बहुत पूर्व में 25 एकड़ ज़मीन लगभग एक जगह किए, वो लो लैंड ज़मीन को अदलेन बदलेन करके दूसरे जगह से किए। तालाब नहीं खुदाई हो रही थी, वो कर सोच रहे थे जो कहीं से लोन लेंगे, उसके बाद मैं उसका तालाब खुदाई करूँगा, लेकिन ये हो नहीं पा रहा था, लोन कहीं से मिल नहीं रहा था। एक बार आत्मा के तरफ से सरकार का एक योजना आया, कृषि विश्वविद्यालय पूसा से डॉक्टर एचपी सिंह वहाँ के प्राचार्य हुआ करते थे, वो आए कृषि वैज्ञानिक गांव की ओर चलो, वह एक कार्यक्रम था जिसमें मैं उनसे बात की। कहा सर ऐसे ऐसे मेरा लोलैंड ज़मीन है और वहाँ मैं तालाब खुदाई करना चाहता हूँ, कोई मुझे लोन वगैरह प्रोवाइड नहीं कर रहा, क्या करूँ। उन्होंने मुझे एक शब्द में कहा, अशोक जी तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे पीछे सारे आएंगे। और मैंने वहीं से कार्य शुरू किया। आज मेरे पास 19 तालाब हैं उस एक जगह पर। मैं वहाँ बच्चा उत्पादन का भी कार्यक्रम कर रहा हूँ, हैचरी लगाया हूँ, तालाब से बच्चा उत्पादन करके वैरायटी मछली की बच्चा लोग पहले नेपाल से लाते थे, जिसे मैं अब यहाँ से सप्लाई दे रहा हूँ। उसके बाद मैं मछली पालन का भी काम करता हूँ, वहीं पर मैंने डेयरी भी लगाया है। डेयरी दूध यहाँ मैं सुधा डेयरी को दे रहा हूँ, वहीं पर बर्मी कंपोस्ट है। समेकित कृषि प्रणाली का जो अवयव है, मैंने वहाँ पर मुर्गी फार्म भी लगाया है। तालाब के किनारे कुछ औषधीय सुगंधीय के पौधे भी हैं और आपको कुछ फलदार वृक्ष भी हैं, कुछ बानकी भी लगाया हूँ। इसी तरीके से मैंने पूरे तालाब के किनारे चारों साइड समेकित कृषि प्रणाली का काम किया, जिससे लोग वहाँ आकर के देख करके सीख रहे हैं। एक का आउटपुट दूसरे का इनपुट हो रहा है, मेरा एक भी सामान बर्बाद नहीं हो रहा है। और उस लो लैंड ज़मीन से आज मैं अपने बेटा को पढ़ाया, एक दो लड़के को पढ़ाया, दो बच्ची की शादी की, एक होटल मैनेजमेंट करा करके अभी जॉब में चला गया है। एक बेटा अभी मेरा हैचरी वगैरह देख रहा है, उसी काम में लगा हुआ है। सर, आप कौन कौन से वैरायटी के मछली पालते हैं और उनमें बीमारियां क्या क्या लगती है, आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? हाँ, हम रेहू, कतला, मृगल, ये तीन देसी क्राप हुए, और कॉमन क्राप, ग्रास कार्प और सिल्वर कार्प, ये विदेशी कार्प हैं। मैं 6 क्राप का वहाँ पालता भी हूँ और उसका बच्चा भी उत्पादन करता हूँ। सर, इसमें बीमारियाँ क्या क्या आती हैं और कौन से सीज़न में बीमारियाँ आती हैं इसमें? बीमारियाँ अक्सर तालाब में जब बाहर से पानी आ जाता है या बाहर से हम फीडिंग कराते हैं और उस पानी को अगर हम सफाई नहीं करते हैं, उस समय बीमारी पकड़ती है। वो एक लाल घाव टाइप आता है, कभी गलन आता है। इस सब के लिए पीएच और पानी का इन्वायरमेंट को मेंटेन करना पड़ता है। पानी का इन्वायरमेंट अगर हम क्लियर मेंटेन करें, कोई बीमारी नहीं आएगी। सर, रेहू, नैनी, कतला जो पालते हैं, वो कैसे, मतलब आप बेचते कैसे बाज़ार में, आप इसके बारे में कुछ जानकारी? रेहू, नैनी, कतला जो हम पालते हैं, हमारा एक सुझाव है, बच्चा लोग वैसे ही डाल देते हैं, छोटा बच्चा कभी भी तालाब में नहीं छोड़ना चाहिए। बच्चा अगर हम इस सीज़न में उत्पादन कर रहे हैं, वो बच्चा अगर लेकर के लोग स्टॉक रखे और एक जारा पड़ने के बाद उसे एयरलिंग कहते हैं। एयरलिंग अगर हम एक एकड़ में 2800 से 3000 सभी के परसेंटेज के अनुसार अगर हम डालेंगे और उसे मैं 1 किलो अगर बना लेता हूँ और बनाता हूँ,
तो लगभग 25 से 30 क्विंटल मछली मेरे एक एकड़ के तालाब में उपजता है। सर ये कितने दिन में आप मतलब यरलिंग को आप बड़ा करके भेज देते हैं? इस साल जो मार्च से अगस्त तक जो बच्चा निकला उसको हम अगले साल जारा के बाद मार्च में जो डालते हैं जी वह एयरलिंग कहलाता है जी। जैसे मछली का पालन 9 महीना ही होता है जी, आधा फरवरी से आधा नवंबर, 3 महीना यहाँ ग्रोथ नहीं है मछली का जी, 9 महीना में ही बना करके आपको साइज में बेचना होगा। सर कितने किलो का कर देते हैं आप 9 महीने में? 9 महीना में 1 किलो से 3 किलो हमारी मछली हो जाती है। सर फीड उसको क्या देते हैं खाने के लिए? खाने में फीड हम देते हैं जैसे प्लांटोन के लिए हम गोबर का यूज करते हैं, जो प्लांटोन तालाब में बनाता है, चूना पीएच के लिए यूज करते हैं। फीड के लिए हम बाहर से भी फीड मंगवाते हैं, फ्लोटिंग फीड भी देते हैं और सिंकिंग फीड भी देते हैं। वैसे अपने यहाँ चोकर ब्रान, राइस ब्रान जी जी, और खल्ली का उपयोग करते हैं। इस तीनों को मिला करके हम मछली को डालते हैं। सर प्रॉफिट के बारे में कुछ बताएं, क्या प्रॉफिट हो जाता है साल में? अंदाज ऐसा प्रॉफिट करीब 40 से 50 लाख रुपया उस स्थल से मैं ले रहा हूँ। अच्छा सर, नए किसान के बारे में थोड़ा जानकारी दें कि नए किसान आना तो चाहते हैं मछली पालन करने के लिए पर वो थोड़ा डरते हैं, तो उसके लिए थोड़ा रिक्शी तो है, लेकिन अगर किसान जब तक कोई ट्रेनिंग लेकर के नहीं करेगा तब फेल्योर होने का चांस रहता है। अगर बच्चा उत्पादन में भी अगर हम करते हैं, एक बार अगर एक एकड़ के तालाब में बच्चा संभल गया तो 2 महीना के अंदर 2 लाख का बच्चा हम बेच सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वही है, जो बगैर ट्रेनिंग का आदमी अगर करेगा तो फेल हो जाएगा, इसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और किसानों को 5 दिन का भी 7 दिन का भी ट्रेनिंग अवश्य लेना चाहिए। तो ये थे अशोक कुमार जी की कहानी, आगे की ख्याल रखिए। मैं रेडियो मधुबनी से आसिफ इकबाल, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।